नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। फ्लोरिडा में डेवलपर्स ने दुनिया की पहली महामारी के लिए तैयार गगनचुंबी इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है, जो मियामी वर्ल्ड सेंटर परिसर को इंटीग्रेटेड करेगी। $500 मिलियन के खर्चे के साथ लेगेसी टावर में सभी कमरों में चिकित्सा सुविधाएं शामिल करने की योजना है। 55 मंजिला इमारत में सभी चिकित्सा सुविधाएँ लोगों को मिलेंगी, जिसमें बैक्टीरिया मारने वाले रोबोट, टचलेस तकनीक और आधुनिक एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। डेवलपर्स को उम्मीद है कि भविष्य की महामारियों के खिलाफ ये लोगों की रक्षा करेगी। इसमें बने होटल और मकान महामारी को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। इसमें महामारी से बचाव की सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसी कई सुविधाएं रहेंगी जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सफाई के लिए ऐसे रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जो बैक्टीरिया को पैदा होने से पहले ही मार देंगे, जो बिल्डिंग को बैक्टीरिया मुक्त रखेगा। लिफ्ट में एंट्री के लिए टचलेस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम और अस्पताल भी होंगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों का तुरंत इलाज हो सके। लोगों के लिए ऐसी सभी सुविधाएं इस बिल्डिंग में होगी, जिससे उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और उन्हें बाहर ना जाना पड़े और ना ही लोगों का समय इलाज के लिए बर्बाद होगा। सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध होंगी। इस प्रोजेक्ट के 2024 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।